कोरोना महामारी को लेकर जयपुर पहुंची केंद्रीय टीम के साथ कांग्रेस और बीजेपी विधायकों की अलग अलग बैठकें आयोजित हुई। सुबह कलेक्ट्रेट में जहां बीजेपी विधायकों के साथ केंद्रीय दल के साथ बैठक हुई, तो वहीं शाम को विद्याधर नगर स्थित सीपीडब्ल्यूडी में कांग्रेस विधायकों के साथ टीम की बैठक हुई। केंद्रीय दल की ओर से विधायकों से उनके क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या और सरकार की ओर से किए गए प्रयासों की जानकारी ली गई। केंद्रीय टीम ने अलग अलग बैठकें आयोजित कर विधायकों से राय जानी है, जिस प्रकार से कोरोना से निपटने के लिए काम किए जा रहे हैं उनकी तमाम जानकारी जुटाई है। सुबह आयोजित हुई मीटिंग में जहां बीजेपी विधायकों के साथ बैठक हुई, बीजेपी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों की जानकारी केंद्रीय टीम के सामने रखी, तो वहीं शाम को कांग्रेस विधायकों के साथ केंद्रीय कमेटी की बैठक हुई है। इस बैठक में कांग्रेस विधायकों से टीम ने चर्चा की है राजस्थान में किस प्रकार से कोरोना से निपटने के लिए काम किए जा रहे हैं, इन तमाम जानकारियों को लेकर चर्चा की गई है। आपको बता दें, प्रदेश में लगातार कोरोना के पॉजिटिव सामने आ रहे हैं और कोरोना को लेकर किस प्रकार से प्रदेश में कामकाज किया जा रहा है, इसके लिए केंद्रीय दल जयपुर पहुंचा है। जयपुर में अलग अलग बैठकें आयोजित कर जानकारी जुटाई जा रही है। पहली मीटिंग में सुबह बीजेपी विधायकों से जानकारी जुटाई गई, तो वहीं दूसरी मीटिंग हुई शाम को, जिसमें कांग्रेस विधायकों के साथ चर्चा की गई। इस खबर पर मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं आदर्श नगर के विधायक रफीक खान जी। सर नमस्कार। सर आज केंद्रीय टीम जो आई है उसने किस प्रकार की जानकारियां जुटाई है, किस प्रकार की जानकारियां विधायकों के द्वारा उनको दी गई है? केंद्रीय टीम आई हुई है और आज पहले दिन में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से मीटिंग करी जी, और शाम को उन्होंने हमसे मीटिंग करी कांग्रेस के विधायकों से। तो कांग्रेस के दोनों कैबिनेट मंत्री श्री लालचंद जी कटारिया, प्रताप सिंह जी खाचरियावास और हमारे सचेतक मुख्य सचेतक महेश जोशी जी, अमीन काजी जी, मैं और गंगा देवी, हम सभी साथ में थे और जहां वो रुके हुए हैं सीपीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में हम लोग गए और एक विस्तृत चर्चा हमने उनके सामने रखी। और किस तरीके के सवाल थे उनके, किस प्रकार की जानकारी उनके द्वारा जुटाई गई है? सर उनको उनके उनको हमने जो जयपुर के हालात के बारे में उनको अवगत कराया, पूरे राजस्थान की बात उनको बताई जी। और स्पेशली जो जयपुर में कोरोना से जो हम लड़ रहे हैं और पिछले इतने दिनों से जिस तरीके की व्यवस्थाएं सरकार ने करी है और सारी चीजों का सामना करते हुए किस तरीके से हम कोरोना पे कंट्रोल कर रहे हैं जी, उन सभी बातों से उनको अवगत कराया जी। साथ ही कोरोना की बातों से तो अवगत कराया ही, साथ में ये भी जानकारी दी कि किस तरीके से हम आम आदमी को राशन सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं और कैसे उनका खाना खाने का ख्याल रखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये हमने उनको बोली कि ऐसे समय में जो जयपुर शहर में करीब 8,88,000 राशन कार्ड हैं जी और करीब 1,44,000 राशन कार्ड ही एक्टिव है खाद्य सुरक्षा में, तो हमने ये रिक्वेस्ट करी कि जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा है कि हम 60,00,000 लोगों को राशन कार्ड खरीद के देंगे, जिनके राशन कार्ड हैं और खाद्य सुरक्षा में कवर्ड नहीं है जी, उनको हम अनाज खरीद के देंगे। तो हमने सबने ये रिक्वेस्ट उनसे करी कि सभी आदमी को जिनके राशन कार्ड वैलिड नहीं है जी, उनको सभी को राशन अनाज दे दिया जाए। और जो जो उन्होंने कहा कि भी एफसीआई चाहे हमें चार्ज लेगी तो भी हम देंगे, लेकिन ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाता कि राज्य सरकार केंद्र सरकार को गेहूं के पैसे दे और वो गेहूं आम जनता में फ्री बांटा जाए, तो कायदे से वो वहां से फ्री मिलना चाहिए जी। और इनको ये कहा कि भी इनको राशन कार्ड जिनके भी एक्टिव हैं, जिनके एक्टिव नहीं है या जो राशन कार्ड बने हुए हैं एक्टिव है उनको दे रही है सरकार, जो एक्टिव नहीं है उनको भी इस कैटेगरी में अनाज दे दिया जाए। और एक बात हमने और की कि जो पेंशनधारी हैं उन पेंशनर्स को हमने रिक्वेस्ट करी कि उन सभी पेंशनर्स को एक आइडेंटिफाइड लोग बाग है
और सरकार पेंशन देती आ रही है बुजुर्गों को, राज्य सरकार, जी तो उन सभी पेंशनर्स को एक पैकेज केंद्र सरकार की तरफ से मिलना चाहिए कि 2 महीने या 4 महीने की पेंशन उनको मिले, ताकि वो इस दौर में अपना जीवन यापन ठीक से कर सके। जी प्लस जैसे अभी हमने बीपीएल परिवारों को मुख्यमंत्री जी ने 2500 रुपए वन टाइम दिए हैं, उसी तर्ज पे अगर बीपीएल परिवारों को जो जो स्टेट बीपीएल और बीपीएल और अंत्योदय में कवर्ड 31 लाख लोगों को 2500 रुपए वन टाइम दिए हैं, जी तो उनको सबको भी एक 8-10 हजार रुपए पर मेंबर का अगर पैकेज दे दिया जाए तो वो बहुत बड़ी जनता को एक रिलीफ होगी। और ये भी कहा कि जिस तरीके की बयानबाजी बीजेपी वाले कर रहे हैं जी, उनसे ये उनको ये गाइडेंस दें, उनको उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि ये समय राजनीतिक बयानबाजी का नहीं है, ये समय है आपसी बातें भूल के कोरोना से लड़ने का। हमें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है जी, हमें लड़ना है एक ऐसी बीमारी से जो जयपुर या राजस्थान या हिंदुस्तान में नहीं है, वो बीमारी पूरी दुनिया में है और पूरा पूरा वर्ल्ड, पूरा पूरी दुनिया में जो भी आदमी है वो सब इससे जूझ रहा है जी। तो इससे मिलजुल के लड़ेंगे। यहाँ तो पूरी दुनिया में मैसेज तो ये हो रहा है कि इंसानियत मिलजुल के लड़े, पूरे पूरे आदमी की कौम, आदमी जो ह्यूमन जमीन पे है, सब मिलजुल के इस बीमारी से लड़े और सभी लोग बाग अपने प्रयासरत हैं कि किस तरीके से इससे लड़ा जाए, क्या इसके प्रिकॉशन लिए जाए, क्या इसकी रेमेडी हो सकती है और इसके उपचार के लिए वैक्सीन तैयार करने की कोशिश पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की लैब जो भी साइंटिस्ट की लैब है उन सब में जारी है। तो ऐसे समय में अगर हम बीजेपी कांग्रेस करके और बात करते हैं तो बड़ा बचकाना सा लगता है। जी बिल्कुल, सुबह जब मीटिंग हुई थी बीजेपी के साथ में केंद्रीय कमेटी की, तो यही देखने को मिला था। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ने आरोप लगाया था कि सरकार भेदभाव कर रही है और कहीं ना कहीं अनियमितताएं सामने आ रही है, ऐसा आरोप उन्होंने केंद्रीय जो कमेटी थी उसके सामने लगाया था सरकार पर। क्या कहेंगे सर आप? ये उन्होंने कहा कुछ ऐसा, तो वो बोले कि साहब खाद्य सामग्री के ऊपर आप आक्रोश आक्षेप लगा रहे हैं। तो पहले सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि इन सबको, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे बीजेपी के कोई भी नेता हो, एमएलए हो, एमपी हो, सब एक प्लेटफॉर्म पे आए, जातिवाद को भुलाएं, पार्टी पॉलिटिक्स भुलाएं, आपस में लड़ने का समय नहीं है, कोरोना से लड़े और पूरी दुनिया में इसको मुक्ति दिलाए। ये तो मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ। दूसरी बात जो उन्होंने की उसका जवाब ये देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से एमएलए ने अपने एमएलए लेड से, जैसे मैंने 1,60,00,000 रुपए दे दिए, महेश जी ने 2 करोड़ रुपए दे दिए, प्रताप जी ने 1.5 करोड़ दे दिए, अमित भाई ने 1 करोड़ दे दिए, तो इन सभी के जो एमएलए लेड के जो पैसे दिए हुए हैं जी, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को भी ये चाहिए उनके एमएलए को कि यहाँ के राज्य जो कलेक्टर के पास में जो फंड है उसमें अपना सहयोग प्रदान करें, एमएलए लेड इसमें दे जी, इसमें कोई उनकी जेब से पैसा थोड़ी लग रहा है, बिल्कुल इसमें तो एमएलए लेड है, एमएलए लेड आम आदमी की जनता के लिए। जब आप जनजीवन बचाने की मिशन पे लग रहे हो तो ये सब बातें सेकेंडरी हो जाती है, तो उनको ये चाहिए कि इस बात में सहयोग दें। वो सहयोग करते हैं केंद्र सरकार को, अरे केंद्र सरकार तो खुद ही दाता है, वो तो खुद दे रही है सबको, उनसे मांग रहे हैं जी। केंद्र सरकार के पास तो सब कुछ है, वो क्राइसिस में थोड़ी है। हम भी आज डिमांड कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि इसमें इसमें सर्टेन चीजें देना चाहिए, तो वो उनको यही साथ होकर के राजस्थान सरकार में जयपुर शहर के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए वो पैसा देना चाहिए ताकि उनको खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने में आसानी हो सके। वो देंगे नहीं देंगे तो भी सरकार तो उपलब्ध करा रही है, लेकिन एक आसानी और बिना आसानी की बात जी जी जी। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी, आप हमारे साथ में जुड़े। तो ये थे आदर्श नगर विधायक रफीक खान, जिन्होंने जानकारी दी किस प्रकार से विधायकों ने अपनी राय केंद्रीय कमेटी के सामने रखी है। केंद्र से आई इंटर मिनिस्ट्रियल टीम राजधानी के कोरोना हॉटस्पॉट बने रामगंज का जायजा लेने आई हुई है। इस टीम